नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोहरदगा वीर शिवाजी चौक स्थित सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर में पूजा का खास महत्व है। नवरात्र का अंतिम दिन नवमी को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी की मन से पूजा करने पर कृपा बरसती है, सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होता है। कमल प्रसाद केसरी ने बताया कि मंदिर निर्माण से पूर्व 1985 से टेंट लगाकर दुर्गा पूजा किया जाता था। दुर्गा माँ की स्थापना के पहले दिन ही एक काला नाग देखा गया था। वह कभी भक्तों को देखता तो कभी माता को। अंत वह उसी स्थान से अंतर ध्यान हो गए। तभी से निर्णय लिया गया और यहाँ एक दूसरे की मदद और सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और प्रत्येक वर्ष धूमधाम के साथ पूजा किया जाता है। पूजा में किए गए खर्च का हिसाब नवमी दिन तक चुकता कर दिया जाता है। इसको महत्व इसलिए हम लोग दिए कि प्रथम वर्ष माता का प्रतिमा हम लोग रखे, उसी समय संध्या आरती के समय वहाँ से एक ब्लैक नाग सांप आए और वो कभी माँ की प्रतिमा की तरफ झांकते थे और कभी दर्शक के तरफ, और आरती समाप्त होते वो कहीं जाकर विचर गए। उसी समय हम लोग को हुआ कि ये सत्य स्थान है और यहाँ पर हम लोग मंदिर बनाएंगे, और आज हम लोग यहाँ पर मंदिर बना करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग दुर्गा पूजा लेकर के यहाँ पर हम लोग को बहुत खुशी महसूस होती है और माता के कृपा से आज तक इस पंडाल पे 5 नया पैसा भी हम लोगों को नहीं घटा। माता और लक्ष्मी का और अन्नपूर्णा का इस मंदिर में पूर्ण रूपेण आस्था विश्वास है। वी टाइम न्यूज़ के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।